यस सर, ऑल्ट एन आर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आज डिस्कस करेंगे अपनी वीवीए माइक्रो की दूसरी फंडामेंटल क्लास की। हमने पहले फंडामेंटल क्लास में बताया था कि वीवीए क्या है और कब यूज किया जाता है, क्या क्या वीवीए से हो सकता है, इन सब के बारे में थोड़ी सी मैंने दिया था ताकि आप वीवीए के बारे में फंडामेंटली समझ जाए। आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो की। उससे पहले हम बात करेंगे कि वीवीए प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग करने से पहले सबसे पहले जान लीजिए कि आप अपने फाइल को सेव करेंगे, जो जिस फाइल पे कोडिंग करना चाहते हैं उस फाइल को आप सेव करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपने अपने माइक्रो वाली फाइल को एक्सेल वर्कबुक, जो कि डिफॉल्ट होता है, इसमें अगर आपने सेव कर दिया, इससे क्या होगा कि आपके सारे माइक्रो डिसेबल हो जाए, क्योंकि माइक्रो जो है डिसेबल, एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, किसी भी तरह के माइक्रो को कैरी नहीं करती है। तो इसमें आपको छोटी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर मान लीजिए होता है क्या कि बार बार मुझे यहाँ चेंज करना पड़ता है, जब भी मैं फाइल सेव करूंगा मुझे चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, घंटे दो घंटे तीन घंटे आपने काम किया और आपने कोडिंग करके फिर गलती से फाइल को आपने सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक में, तो आपके दो घंटे की पानी में चली जाएगी। तो आप अगर आप जनरली सारे काम मोस्टली काम अगर माइक्रो में ही करते हैं तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाएं और सेव पे आप यहां से जो डिफॉल्ट सेटिंग जो है चेंज कर दें, जैसे मैंने कर रखा है। तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक नॉर्मल फाइल को भी कैरी करता है। मान लीजिए कि आपके नॉर्मल डेटा भी एक माइक्रो अनेबल वर्कबुक में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहला काम ये करना है, राइट? ओके। दूसरा कि जब भी आप माइक्रो स्टार्ट करें तो आप अभी जैसे आपने आपको वन टाइम ही करना है, दोनों चीज में बता रहा हूँ, ठीक है? तो एक होता है माइक्रो सिक्योरिटी। माइक्रो सिक्योरिटी को आपको बाय डिफॉल्ट डिसेबल विद नोटिफिकेशन होता है। डिफॉल्ट क्या होता है? आप जब भी कोई माइक्रो फाइल ओपन करेंगे आपको हमेशा पूछेगा अनेबल माइक्रो, हमेशा पूछेगा अनेबल माइक्रो, राइट? तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, तो आप इसको अनेबल कर लीजिए। ये दोनों चीज आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं हम रिकॉर्ड इसके बारे में, रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है, रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है जो कि आपके एक्शन को कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने रिकॉर्ड किया एंड ओके कर दिया। अब मैं इसको मान लीजिए यहां पे मैं नेम लिखा, यहाँ पे रोल नंबर लिखा और यहाँ पे मार्क्स लिखा, ठीक है? इस आप अगर इसकी कोडिंग एडिट करेंगे, माइक्रोज लिस्ट में जाके जब इसको एडिट करेंगे तो देखेंगे कि यही आपको वीवीए कोड में कन्वर्ट कर दिया। आप भी लिखोगे तो इसी कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है? हेलो, एक मिनट। तो अभी एक कोड जैसे कि मैंने उसकी नहीं बताया था,
कि वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग एंड रिकॉर्डिंग मैक्रो सेम लैंग्वेज यूज करता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बोलते सर हम लोग तो लिखते हैं तो वो तो अलग चीज होती है और रिकॉर्डिंग में लंबा चौड़ा कोड बन जाता है एक यहाँ पे। तो सिंपल सी एक चीज समझिए, अगर आपको अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आप वर्बली अगर आपको बोलना होगा तो आप थोड़ी देर बोलेंगे रिस्पेक्टेड सर द ब्रांच मैनेजर नाना कंपनी डियर सर जो प्लेटफॉर्म होता है उसको थोड़े बोलेंगे, जस्ट सिंपल कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिनों की काम। और ऐसी चीज को अगर आपको लेटर के थ्रू या मेल के थ्रू भेजना होगा तो हम एक पूरी की पूरी एक ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करेंगे। yes. उसी तरह से रिकॉर्डिंग मैक्रो जब यूज होता है तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो अनवांटेड कोड जो डिस्ट्रैक्टेड कोड है उसको हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि रेंज a1.select एक्टिव डॉट सॉर फॉर्मूला डॉट जो भी हमने लिखा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले सिलेक्ट कर रहा है फिर कोड कर रहा है, कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी टाइपिंग कर देता हूँ कि एक्टिव से डॉट फॉर्मूला r1c1.name ओके, एक लाइन होगी ना। हाँ। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग फॉर द सिलेक्ट सेल देन टाइप द वैल्यू। अब इससे बेनिफिट क्या है, देखिए इसके 2 बेनिफिट है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि रिकॉर्डिंग मैक्रो से हम पूरी तरह से काम नहीं कर सकते, हम कुछ परसेंटेज ही काम यूज करते हैं, लेकिन लर्नर के लिए रिकॉर्डिंग मैक्रो बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पेस्ट स्पेशल का कोड नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप रिकॉर्डिंग मैक्रो ऑन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर इसकी कोड को आप जाके देखेंगे कि भाई पेस्ट स्पेशल का क्या कोड है। कभी भूल रहे हैं, कभी किसी तरह की मिस्टेक हुई, तो आप ये आपके एक तरह से गाइड की तरह वर्क करेगा। ओके ओके। दूसरा हम लोग भी इसका यूज करते हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो का, तो अब हम लोग यूज करते हैं, मुझे तो हम सारी कोडिंग आती है तो कोड भी यूज करते हैं। इसका यूज होता है कि जब आप बड़े बड़े काम को करते हैं तो हमें बहुत सारा रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, वो बहुत सारा रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं हम, एक सिंपल रिकॉर्ड बहुत सारा कोड नहीं करते, रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम उसको एक दो लाइन चेंज करके उसको डायनेमिक कर देते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहां से देखिएगा कि इस पे आपको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है सर। मैं इसको डिलीट करता हूँ फालतू शीट। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा एक है, राइट। मुझे क्या करना होता है कि जब भी मुझे ये होती है, मतलब कि जब बॉस का कॉल आता है और बॉस बोलते हैं कि पुराने मंथ का डेटा दो, तो मुझे फिल्टर करना होता है और फिर यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके एक नई शीट में पेस्ट करके मेल करना। मैं चाहता हूँ कि मेल तो मैं कर लूंगा क्योंकि मेल का टॉपिक थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, मेल तो कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये हो जाए कि मेरा फाइल जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, मैं रन करूं, मुझसे मंथ पूछे, मैं मंथ डालूं और उसी मंथ का डेटा कॉपी पेस्ट होके एक नई जगह पे पेस्ट हो जाए और उस फाइल को हम मेल करने के लिए रेडी कर लें। तो इसके लिए हम माइक्रो को यहां से रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो, माइक्रो 3 को रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखिएगा, राइट, कुछ भी पहले से नहीं, इस पर मैंने क्लिक किया और हमने फिल्टर अप्लाई किया, राइट, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कीजिएगा, वरना जो भी कीजिएगा सारा कोड हो जाएगा। मैंने अप्रैल को सिलेक्ट किया, अब सिलेक्शन जो है हमारा वो सिलेक्शन माउस से या कीबोर्ड सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, मेनू सिलेक्शन जो होता है, अच्छा, आप सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, अच्छा,
इसी क्या होगा कि कल के डेट में डेटा अगर जब 99 तक है और आगे चल के अगर 200 300 हुआ तो 200 300 तक वो बढ़ेगा। और जब भी फिल्टर का डाटा कॉपी करें तो आप कंट्रोल जी स्पेशल पे जाएं और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें विजुअल सेल्स ओनली ताकि पीछे का डेटा कॉपी ना हो। सर एक बार रिपीट करेंगे इस टाइम। एक्सेल का टॉपिक है, एक कंट्रोल जी में स्पेशल होता है, स्पेशल में विजुअल सेल्स ओनली। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ कि जो फिल्टर में डेटा दिख फिक्स कर देते हैं, जो हम बेसिकली सेल वैसे फिक्स कर देते हैं, आप वहां पे कंट्रोल जी करके कर देंगे। हाँ जब मैं ठीक है, उसके बाद हम अब देखिए आपके पास हो सकता है कि पहले से सीट हो तो पहले से ली गई सीट पे नहीं डेटा को पेस्ट करेंगे, नहीं तो क्या हुआ कि हर बार मार्क रिकॉर्ड करने से पहले उस सीट को रखना पड़ेगा। ठीक है, आप नई सीट को ऐड करें और फिर इस पे पेस्ट करें और फिर सीट का नाम मैं यहाँ पे अप्रैल देता हूं और फिर मैं इस राइट सीट को करता हूं मूव और यहाँ पे न्यू वर्क को एक नई फाइल में मेरा सीट मूव हो गया। फिर इसको मैं से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नाम जैन और फाइल में मैं एक्सएलएस एक्स कर देता हूं या फिर जो भी आपका सुटेबल है वो कर देता मैं। अगर आपको मेल करनी है आउटलुक के जरिए तो इसमें देखिए होता है आपका पब्लिश एक्सपोर्ट। यार में आपका ईमेल इन एज अटैचमेंट। ठीक है, ये अटैचमेंट भी रिकॉर्ड उसकी भी कोडिंग हो रही है ये जो आप मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको स्टॉप कर दिया, मैं आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है। ओ सॉरी, स्टॉप करने से पहले मैंने फाइल को बंद नहीं किया, एक छोटी सी गलती हो गई। ठीक है, अब मैं अपने इस कोड को देख रहा हूँ माइक्रो 3 एडिट। देखिए फाइल सेंड करने का कोड नहीं हुआ क्योंकि वो इनकम्प्लीट था, मतलब फाइल सेंड करने का भी कोड हो जाता है। अब ऊपर से आते हैं, अब यहाँ पे रेंज वन डॉट सेलेक्ट सही है, ऑटो फिल्टर दो बार आ गया, नीचे फिल्टर तीन बार आ गया, ये इसको डिलीट करना होगा। फिर यहाँ पे A1 से लेके 100 तक दिख रहा है आपको ऑटो फिल्टर, ये गलत है क्योंकि हम फिल्टर तो एक A1 पे क्लिक करके भी लगा सकते हैं, ऐसा इसलिए इसको डायनेमिक करना जरूरी क्योंकि कल के डेट में डेटा 500 भी तो हो सकता है। मैं सिर्फ A1 ऑटो फिल्टर कर दिया, अप्रैल सही है। अब देखिए मैंने आपको सिलेक्शन के लिए एंड वाला ऑप्शन किया है, क्यों किया, क्योंकि फिर ये फिक्स सेल नहीं हुआ, एंड हो गया। अच्छा, राइट में एंड जाएगा और डाउन में एंड जाएगा, दिख रहा होगा। हाँ सर आपको। हाँ, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर लिया था विजुअल्स के लिए, सिलेक्शन कॉपी सीट ऐड, ऐड हो गया, हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सीट 1 डॉट सिलेक्ट गलत है, क्यों, क्योंकि जो सीट ऐड हुई है वही सीट एक्टिव है, तो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी, सीट 1 गलत है क्योंकि हर बार जब भी सीट ऐड होगा वो सीट 1 तो नहीं होगा, लेकिन जो सीट ऐड होगा वो एक्टिव होगा। तो मैं इस एक्टिव सीट को लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पे अप्रैल डॉट सेलेक्ट एरिया हटा दीजिए, ये भी यहाँ पे एक्टिव शीट कर दीजिए, एक्टिव शीट डॉट मूव, और हमने यहाँ पे जो फाइल एक्टिव हुई वही ओपन होगा, और यहाँ पे फिर मैं एक चीज करता हूँ एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज डॉट क्लोज।
ठीक है, मैंने कोड कर दिया, आखिर एक हो जाता है कोड, फिर भी मैंने कोड कर दिया इसको, हमने क्लोज कर दिया। पहले सेव होगी फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगी अपने आप ही। हाँ हाँ, तो इसको रीड करेंगे तो ऐसा होगा कि रेंज पहले आप A1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर A1 क्योंकि आपने उसको डायनामिक बनाने के लिए उसमें आपने A पे डॉलर लगा दिया, और फिर आप इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी आगे डॉलर की जरूरत है, मैं डॉलर हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। A1 भी फिल्टर लगाएगा, A1 भी जो फिल्टर लगाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा पकड़ लेगा। अच्छा, अगर A1 पे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरा ही वो कंसिडर हो जाएगा। हाँ, फिर मैं वापस A1 पे करेंगे, ऊपर से नीचे सिलेक्शन करेंगे, हम यहाँ पे विजुअल टाइप करेंगे, कॉपी करेंगे, नया सीट ऐड करेंगे, उस सीट में जाके पेस्ट करेंगे, पेस्ट की गई सीट का नाम चेंज करेंगे और स्कैन मार्कर जो कॉपी का एरिया उसको हटा देंगे, फिर उसको मूव करेंगे नई फाइल में, और जो फाइल मूव हुई है उसको हम सेव करेंगे एक लोकेशन पे और फिर उसको क्लोज कर। ठीक है सर, समझ में आ गया मुझे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सिर्फ मेरा इस अप्रैल का ही डेटा बनेगा, मुझे हर बार यहाँ चेंज करना होगा, तो इसके लिए मैं एक नया कोड ऐड कर दूंगा इनपुट बॉक्स का, कि जब भी रन हो एक पॉपअप में नाम पूछे। अच्छा, ओके। ये आप डायनामिक कर रहे हैं बेसिकली। हाँ पे तो यहाँ पे हम देते हैं m इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इसमें देते हैं प्लीज एंटर मंथ नेम, राइट। और जहां जहां मुझे अप्रैल चाहिए मैं वहां वहां m कर देता हूं। m क्या है, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड लेते हैं। अच्छा, ये वेरिएबल है। हाँ, उसी तरह से मैंने यहाँ पे एम ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, तो इनपुट बॉक्स में पॉपअप आएगा, पॉपअप में दी गई जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एम पे स्टोर हो जाएगी। अब मुझे जहां जहां एम चाहिए वहां वहां मंथ चाहिए वहां वहां एम ले लें। अब यहाँ पे देखिए जैन, तो मैं यहाँ एम नहीं लिख सकता, अगर ऐसे एम लिख दिया तो क्या होगा पता है आपको, एम नाम का फाइल बन जाएगा, क्योंकि m एक वेरिएबल है तो मुझे इसको कॉन्केट करना पड़ेगा, इन्वर्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, m एंड वो रिस्पेक्टिव फाइल का जो आप नाम लिखते हैं, ये आपके इधर पाथ आ गया, m फाइल नेम हो गया और एक्सटेंशन हो गई। अच्छा, अब पूरी तरह से डायनेमिक हो गया। अब मैं एक बार इसको रन करता हूं, और फिर इसको रन करते हैं। माइक्रो नेम पूछा, मंथ नेम मैंने यहां पे दे दिया, मान लीजिए जून। ठीक है, तो आप देखिए एक्सेल पे इस डेस्कटॉप पे जून नाम का फाइल बन गया, बन गया। तो इसमें इसे बेनिफिट क्या हुआ, हमने इसकी कोडिंग की रिकॉर्डिंग के जरिए, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ सर, टाइम सेव हो गया आपका, और आपको हमें कोड बहुत कम करना पड़ा है। हमने क्या किया, बस एक लाइन कोडिंग यहाँ की बस, और कुछ कोड को डिलीट किया, कुछ पासा चेंज किया, राइट। सर, ये जो आपने सेव करी है फाइल नेम का, जो आपने ये नेमिंग कन्वेंशन डाला है लास्ट लाइन में, एंड इनवर्टेड कॉमा एंड एम एंड, ये मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। वहां पे तो वो जून के नाम से सेव हुआ है, तो यहाँ पे एम जो है, एम एक वेरिएबल है। ओके, समझ गई, तो वो जून को रिप्लेस कर दिया उस वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देखिए कि मेरा जून यहाँ डाला हुआ, राइट, और मैं सी ड्राइव, हमारा ए है सी ड्राइव, यहाँ इस तरह से है कि सी ड्राइव
2019, ठीक है, इसमें मुझे फाइल को सेव करना है। फिर मैं इसमें एंड पर्सन दिया C2, पर्सन होना चाहिए था, हाँ C2, और फिर एंड पर्सन दिया .xlsx, राइट, ठीक है, C2 ने C1 होगा आपके, यहाँ C1। अगर मैं यहाँ पे C1 इनवर्ट नहीं लगाता और फिर C1 कर देता तो क्या होता? अच्छा, ओके, ठीक है ना। सेम उसी तरह से मुझे M के ऊपर स्टोर की गई वैल्यू चाहिए, M नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि रेंज को यहां से ब्रेक किया, एक्सटेंशन को ब्रेक किया, फिर दोनों को यहाँ पे कंबाइन M इन्वर्टर को से बाहर रहेगा तो एक्सेल इसको एक वेरिएबल समझेगा और इसकी वैल्यू को शो करेगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा में रहा तो M एक करेक्टर हो जाएगा, जैसे कि C1 एक करेक्टर हो गया, एक रेफरेंस। अच्छा, क्लियर है? ठीक है सर, समझ गए। तो समझ गए। तो इसका जी मुझे कम से कम 5 रिकॉर्डिंग मैक्रो इसमें एडिट करके आप मुझे भेजिए, कम से कम, ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 क्या आपको भेजना है बेसिकली? रिपोर्ट की, जैसे मैं छोटा सा काम आपके सामने किया ना, इसी तरह के काम, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो गया, पिवट अप्लाई करना हो गया, पेस्ट स्पेशल अप्लाई करना हो गया, उसको रिकॉर्ड करें, उसको थोड़ी सी डायनेमिक करें और मुझे उसकी कोड दें। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपने कहां पे गलती किया है, ठीक है, और उसके बाद अगली टॉपिक जो हमारी कल की होगी वो होगी हमारी एल्गोरिथम टाइप ऑफ मैक्रोज। ओके, हाँ, दो टॉपिक है, एक थ्योरिकल, दोनों थ्योरिकल ही है, एल्गोरिथम और एक माइक्रो। जब भी आप टाइपिंग कर, माइक्रो टाइप करना का शुरू करें तो उससे पहले आप क्या क्या करेंगे, कैसे आप लिखेंगे, जैसे कि आप ग्रामर पढ़े थे ना, टेंस पढ़े थे ना, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, वो कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, जैसे ऐसे लिखने से पहले आप क्या सेंटेंस मेकिंग, क्या ग्रामर लिखोगे, वो चीज। हाँ हाँ सर, यहाँ पे जो एक्चुअली ये जो आपने एडिट किया था, जो आपने पहले जो जो लाइंस आपने हटाई थी, मेरे को थोड़ा उसमें क्लैरिटी चाहिए कि जैसे आपने एक्टिव सेल वाला जो कॉलम है उसके ऊपर जो उन्होंने रेंज करके सिलेक्ट करके लिख दिया, आपने उसको कंबाइन कर दिया। देखिए क्या हुआ कि आप पहले माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, राइट, रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको रन करेंगे। जब रन करेंगे फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, डेटा को चेंज करेंगे, ठीक है, तो अपना पता चल जाएगा। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि ये तो ये मेरा एग्जांपल था, तो आपके एग्जांपल का डेटा अलग होगा, रिपोर्ट अलग होगा, उसका हर चीज अलग होगा ना। यस, तो आप कर लूंगी। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए ना। हमने आपको बता दिया कि अननेसेसरी चीज को हटाना है। अब अननेसेसरी चीज क्या हुआ, ये तो आपकी रिपोर्ट, हर रिपोर्ट पे अलग अलग चीज होगी ना। यस सर, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है सर, ओके ओके, बाय, गुड नाइट।